हेलो एवरीबडी वेलकम टू मैग्नेट ब्रीन्स मैं हूं अनीशा आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर कैसे हैं आप सब लोग आई होप एवरीबडी इज डूइंग वेल और इतनी अच्छी बात से चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास ट्वेल्थ की जो फ्लमिंग बुक है उसकी पोम अ रोड साइड स्टैंड की समरी एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स सो लेट्स बिगिन रॉबर्ट फ्रॉस प्रेजेंट्स दी डेट इज लैक ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ द सिटी ड्वेलर्स एंड द रिच पर्सन टूवर्ड्स द पुअर फार्मर्स हैव कंस्ट्रक्टेड अ रोड साइड स्टैंड टू सेल दर प्रोडक्ट एंड अर्न अ लिविंग तो सबसे पहले मैं आपको रोड साइड स्टैंड का मतलब बताती हूँ जब आप हाईवे रोड पर होते हो तो आपको सड़क के किनारे रोड के एज पे एक छोटा सा बहुत ही अंडर डेवलप सी एक स्टैंड दिखता है जिसपे लोग जिसपे पुअर फार्मर्स वहाँ के एरिया के जो लोग होते हैं कुछ फ्रूट वेजिटेबल्स बेरीज सेल करते हैं उससे हम रोड साइड स्टैंड कहते हैं और ये जो पोम है ये किसने लिखी है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है तो वो बताते हैं बेसिकली इस फोम में कंपेयर कर रहे हैं कि जो रोड साइड स्टैंड यानी जो विलेज के लोग हैं जो पुअर फार्मर्स हैं उनकी लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं सिटी डवेलर्स यानी शहर के रहने वाले लोगों से और वो बता रहे हैं कि ये जो बेचारे रोड साइड स्टैंड के पुअर फार्मर्स हैं ये इस उम्मीद में हाईवे रोड के कॉर्नर में सड़क के किनारे एक रोड साइड स्टैंड बनाते हैं इस उम्मीद में कि कोई ट्रैफिक में या हाईवे रोड पे जब शहर के लोग कार्स में निकलेंगे तो उनका ध्यान जाएगा हमारे रोड साइड स्टैंड पे और वो रुक कर हमसे कुछ ना कुछ खरीदेंगे ताकि हमारी अर्निंग हो हमारी कुछ कमाई हो जाए और हमारी लाइफ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ जाए हमारे पास भी कुछ पैसे आए ताकि हम भी भरपेट खाना खा सकें तो इस उम्मीद में वो लोग अपने अपना रोड साइड स्टैंड बनाते हैं तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या प्रेजेंट करते हैं एपथी यानी जो शहर के लोग हैं जो सिटी ड्वेलर्स हैं कि उनमें फीलिंग्स और इमोशंस की कि कितनी कमी है वो लोग कितने क्रूअल हैं अपने बिहेवियर में कि वो लोग क्या करते हैं बिल्कुल निकल जाते हैं बिना ध्यान दिए हुए इन पुअर्स फार्मर इन पुअर फार्मर्स को ये बेचारे उम्मीद में पूरे दिन बैठे रहते हैं कि अब कोई आएगा कोई गाड़ी रुकेगी और हमसे कोई कुछ खरीदेगा लेकिन कोई गलती से भी नहीं रुकता और इन लोगों के दिलों में जो सिटी ज्वेलर्स हैं जो शहर के लोग हैं इनके दिलों में कोई दया कोई बेचारों के लिए कोई फीलिंग नहीं कि ये लोग रुक जाएं उनके लिए और उनकी भी लाइफ बेटर कंडीशन की कर पाए बट दे पास स्पीडिली इन देयर कार्स एंड डू नॉट इवन बॉदर टू स्टॉप फॉर अ वाइल्ड एंड टेक अ लुक एट इट और ये जो सिटी के जो कार के लोग हैं ये एक सेकेंड भी नहीं रुकते बिना ध्यान दिए सीधे निकल जाते हैं कभी नहीं रुकते कि रुक के इन रोड साइड स्टैंड से भी कुछ ले लें कुछ खरीद लें ताकि इन बेचारों के पास भी कुछ पैसा आए और इनकी लाइफ बेटर बने द फार्मर्स डिस्कवर दैट नो बडी इज़ इंटरेस्टेड इन दर प्रोडक्ट्स एंड नेवर इवन स्टॉप्स टू इंक्वायर अबाउट द प्राइजेज तो जो फार्मर्स हैं जो रोड साइड स्टैंड के जो पूर फार्मर्स है वो बोलते हैं कि किसी को हमारे प्रोडक्ट्स में ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स बेरीज खरीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही किसी का कोई मन करता है कि एटलीस्ट खरीदे ना तो रुक के एटलीस्ट प्राइस ही पूछने की क्या प्राइस है कोई नहीं रुकता ना हमारे लिए कोई कुछ पूछता है द विलेजर्स होप फॉर अ लाइफ ऑफ कम्फर्ट लाइक अर्बन पीपल बाय अर्निंग सम मनी अर्बन पीपल यानी कि सिटी पीपुल्स तो जितने भी विलेजर्स हैं जो भी छोटे छोटे पुअर गांव के लोग हैं जिन्होंने ये रोड साइड स्टैंड बना के रखा है वो इस उम्मीद में पूरा दिन बैठे रहते हैं कि हमारी भी लाइफ कंफर्टेबल होगी जैसे इन शहर के लोगों की कंफर्टेबल होती है अब शहर के जो सिटी के लोग हैं उनकी लाइफ क्यों कम्फर्टेबल है क्योंकि उनके पास पैसा है अब इन पुअर पीपल के पास पैसा नहीं है तो इनकी लाइफ बेटर कैसे हो कैसे कम्फर्टेबल हो इस वजह से उन्होंने रोड साइड स्टैंड खोला था अब इस रोड साइड स्टैंड पे भी कोई नहीं देख रहा ना कोई ध्यान दे रहा है और ये चाहते हैं कि हम कुछ पैसा अर्न करें लेकिन जब कोई रुक ही नहीं रहा तो पैसा कैसे अर्न करें द न्यूज़ ऑफ द सेटलमेंट नियर द थिएटर ऑल द स्टोरी इज ऑल्सो अंडर डिस्कशन अमंग दैम अब इन बेचारे गरीब लोगों से जो बड़े बड़े नेता हैं पॉलिटिशियंस हैं जो गवर्नमेंट अभी रन कर रही है उनकी इनके एरिया को वो लोग बस आते हैं और इन लोगों से झूठे प्रोमिसज़ और वादे करके चले जाते हैं कि हम लोग आपको विलेज से शिफ्ट करके बेटर प्लेस शहर की तरफ शिफ्ट करेंगे जहाँ पर आस पास थिएटर्स होंगे जहाँ पर आस क्या होगा आ, बेटर बेटर चीज़ें होंगी और मतलब बेसिकली उनको शिफ्ट कराने के झूठे वादे करके जाते हैं कि आसपास थिएटर होगा आसपास स्टोर्स यानी दुकानें होंगी ताकि आपकी लाइफ बेटर हो आपकी लिविंग कंडीशंस बेटर हो आपको इतनी गंदी जगह पर रहने की जरूरत नहीं है लेकिन ये झूठे वादे सिर्फ झूठे ही रह जाते हैं और कभी भी रियल नहीं होते द ग्रीडी गुड डूअर्स कम्फर्ट देन फॉर रेस्टफुल स्लीप एंड लाइवलीहुड बट लिटरेली दे आर चीटिंग एंड वॉन्ट टू ग्रास्प देयर फार्म लैंड्स अब ये ग्रीडी गुड डूअर्स कौन है यानी जो लालची लोग जो लालची पॉलिटिशिय जो ऐसा दिखाते हैं कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं तुम्हारा अच्छे लिए तुम्हारे कंफर्ट के लिए तुम्हारे आराम के लिए सोच रहे हैं हम चाहते हैं कि तुम रेस्टफुल स्लीप लो यानी कि तुम सुकून से सो और लाइवलीहुड यानी सुकून से लाइफ अपनी जियो ऐसे बोल के झूठे वादे करके जाते हैं लेकिन ये वादे वो लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इन लोगों का इन पॉलिटिशियंस का एक बेनिफिट एक बोल सकते हैं जैसे कि कोई फ़ायदा छुपा हुआ है इन गरीब लोगों में क्योंकि वो लोग इन गरीबों को क्या करते हैं चीट करते हैं और चाहते हैं कि इन लोगों को झूठे वादे कर दें बोल दें तुम लोग वहाँ शिफ्ट हो जाओ शहर की तरफ उस तरफ कितना अच्छा है वहाँ पे थिएटर है वहाँ पे नई नई दुकानें हैं तुम लोग वहाँ शिफ्ट हो जाओ और वो ऐसा क्यों बोलते हैं ताकि जब ये लोग चले जाएं तो ये लोग इन लोगों के फार्म्स इनकी ज़मीनें इनका लैंड सब ग्रास्प कर लें यानी हड़प लें द पुअर फार्मर्स sit द whole day प्रेइंग बट ऑल इन वेन जो गरीब इंसान जो गरीब रोड साइड स्टैंड के जो फार्मर्स हैं पूरे दिन अपने रोड साइड स्टैंड पे बैठे रहते हैं उम्मीद में प्रेयर करते रहते हैं पूजा करते रहते हैं कि काश कोई आए और हमसे कुछ खरीद ले पर सब कुछ वेन यानि सब कुछ व्यर्थ जाता है उनका कोई नहीं रुकता क्योंकि समटाइम्स रेयरली अर कार स्टॉप बट फॉर इट्स ओन सेल्फिशनेस कभी कभार कोई कार रुकती भी है तो वो रुकती है अपनी सेल्फिशनेस यानी अपने मतलब के लिए रुकती है इन लोगों से कुछ खरीदने के लिए नहीं रुकती ये कार्स क्यों रुकती हैं दिस स्टॉप इधर टू सीक सम फ्यूल और आज द डेस्टिनेशन ऑफ द पाथ तो ये लोग क्यों रुकती हैं कार्स ये या तो इन लोगों से कोई डेस्टिनेशन कोई रास्ता या डायरेक्शन पूछने के लिए कि ये रास्ता किस तरफ जाता है इस तरीके की चीज़ें पूछने के लिए रुकते हैं या ये पूछने हैं कि क्या यहाँ पे गैस मिलती है या यहाँ पे सी गैस जो कार्स में डलती है क्या वो मिलती है क्या तो इस तरीके की चीज़ें अपने मतलब के, के लिए रुकती हैं और फिर आउटसाइड स्टैंड के पूरा फार्मर सोचते हैं कि आए हैं तो ना प्राइस पूछ रहे हैं ना कुछ खरीद रहे हैं और अपने मतलब के लिए रुकते हैं और पूछ रहे हैं कि यहाँ गैस मिलती है क्या क्या यहाँ पे उनको दिख नहीं रहा कि यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलते हैं कोई गैस स्टेशन नहीं है यहाँ पे तो उन लोगों को ये सब देख के बहुत दुख होता है द पोएट इज डिस्टर्ब सिंग दिटीफुल एंड मिस फॉर्चुनेट लाइफ ऑफ द विजर्स एंड एक्सपेक्ट सम रियल कंसोलेन एंड कंसर्न फॉर दिस इल फेट एंड हार्ड वर्कर्स पिटीफुल यानी कि जब किसी भी आपको पिटी आती है दया आती है मिस फॉर्चून यानी इनकी बदकिस्मती देख के तो जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो इन बेचारे गरीब पुअर फार्मर्स रोड साइड सैंड के फार्मर्स हैं उनकी कंडीशन इनकी बुरी हालत देख के उनको इन पर दया आती है और वो इनकी जो कस्मती में फॉर्चून वाली जो जिंदगी है वो देख इन विलेजर्स की देख के एक्सपेक्ट करते हैं सोचते हैं कि इन लोगों की जो प्रॉब्लम है इनके साथ कुछ रियल कंसोलेशन हो यानी रियल कुछ सल्यूशन निकले इनकी दिक्कतों का एंड कंसर्न फॉर द इल फेटेड हार्डवर्क्स इल फेटेड यानी हैविंग बैड लक तो वो चाहते हैं कि इन बेचारे गरीबों का जो लक है वो बैड है यानी इनकी बुरी किस्मत इनकी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही इन बेचारों की गरीबी खत्म ही नहीं हो रही इसलिए वो लोग ये सोचते हैं जो पोर्ट है वो सोच रहे हैं कि एक बार में ये कोई रियल कंसोलेशन हो इनकी रियल कोई सोल्यूशन निकल जाए इन बेचारों की प्रॉब्लम का सो so, यहां पे बच्चों हमारी समरी खत्म होती है एंड लेट्स नाउ डिस्कस विद सम इंपॉर्टेंट कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन एंड आंसर्स सो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट क्वेश्चन विच इज वॉट वॉज द प्ली ऑफ द फोक रोड साइड स्टैंड प्ली का मतलब क्या होता है अपील उनकी क्या अपील है हमसे क्या गुजारिश है मतलब तो यहाँ पे पोएट पूछ रहे हैं कि ये जो फोक हैं, ये जो ये जो ट्रेडिशनल गरीब लोग हैं, जो विलेज में रहते हैं इन लोगों की हमसे क्या प्ली है क्या गुजारिश है क्या रिक्वेस्ट है सो द आंसर इज जो रूरल फोक है यानी कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं उन्होंने प्लीड किया यानी रिक्वेस्ट करिए प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्टेड सो द रूरल फोक प्लीडेड या रिक्वेस्टेड पथेटिकली फॉर सम कस्टमर्स टू स्टॉप बाय एंड बाय सम ऑफ देर गुड्स वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोई प्लीज कस्टमर्स आ जाओ और हमसे कुछ खरीद लो वो कुछ बैग नहीं कर रहे हैं भीख नहीं मांग रहे हैं ना आपसे कुछ डोनेशन मांग रहे हैं वो सिर्फ चाहते हैं कि जो हमने रोड साइड स्टैंड लगाए वहाँ पे कुछ कस्टमर्स आए हमसे खरीदें और हमारी लाइफ थोड़ी सी बेटर हो जाए सिटी फोक्स यूज टू पास बाई ऑन दिस रोड एंडल फोक्स अपड स्टैंड टू अट्रैक्ट दर अटेंशन एंड सेल गुड्स तो ये हाईवे रोड पे बहुत ट्रैफिक होता था बहुत गाड़ियाँ कार आती थी जाती थी और इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर एक रोड साइड स्टैंड लगाया था सड़क के किनारे कि चलो इतने लोग हैं किसी ना किसी तो ध्यान देंगे कुछ नोटिस करेंगे और रुककर हमारा सामान लेंगे हमारे गुड्स लेंगे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उन लोगों ने उनको नोटिस भी नहीं किया और वो लोग पूरे दिन ऐसे ही उम्मीद में बैठे रखते थे कि कोई आएगा और हमसे कुछ खरीदेगा तो यही रिक्वेस्ट थी कि उनकी कि कोई कस्टमर्स आए और हमसे कुछ खरीदें ताकि हमारी लाइफ में मनी आए क्वेश्चन नंबर टू द गवर्नमेंट एंड अदर सोशल सर्विस एजेंसीज अपियर टू हेल्प द पुअर रूरल पीपल जो जितने भी गवर्नमेंट हैं और अदर सोशल एजेंसीज हैं पॉलिटिशियंस हैं वो ऐसा दिखाते हैं कि वो इन गरीबों की बहुत मदद करना चाहते हैं बट एक्चुअली डू दैम नो गुड लेकिन आखिरी में उनके साथ कुछ अच्छा नहीं करते सब झूठे वादे कर जाते हैं इन पुआ फार्मा से पिक आउट द वर्ड एंड फ्रेजेज दैट द पोइट टू शो दैट डबल स्टैंडर्ड्स तो पोम में इस तरीके के कुछ वर्ड्स कुछ फ्रेजेस कुछ लाइन्स यूज हुई हैं जिससे ये पता चले कि जो पॉलिटिशियंस हैं जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स झूठे वादे करते हैं ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं यानी कि जो ये बोलते हैं उसको कभी पूरा नहीं करते हैं। सो द आंसर इज द पोएट क्रिटिसाइजेज द डबल स्टैंडर्ड ऑफ़ द गवर्नमेंट एंड अदर सोशल सर्विस एजेंसीज हु प्रामिस टू प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ़ द पुअर फार्मर्स एंड शो दम द रोजी साइड ऑफ लाइफ तो पोएट क्रिटिसाइज करते हैं यानि बिल्कुल नापसंद करते हैं गवर्नमेंट को और उन पोलिटिकल पोलिटिशंस को जो उम्मीद कराते हैं जो उम्मीद देते हैं और झूठे वादे करते हैं इन पुअर फार्मर्स को कि ये इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा करेंगे यानि इनकी जो लिविंग कंडीशन उनको बेटर बनाएंगे और इनको रोजी साइड ऑफ लाइफ दिखाते हैं यानी कि जिंदगी का वो पार्ट दिखाते हैं झूठ मूठ में कि अरे वहाँ सब कुछ बढ़िया होगा वहाँ बड़ा तुम्हें घर मिलेगा वहाँ आसपास थिएटर होंगे स्टोर्स होंगे ये सब चीज़ें उनको दिखाते हैं और उनके आंखों में उम्मीद जगाते हैं और वो झूठी उम्मीदें जगाते हैं येट वेन द टाइम कम्स टू डिलीवर देअ प्रोमिस ईदर फोर गेट दैम और फुलफ़िल देम कीपिंग इन व्यू देयर ओन बेनिफिट्स और जब टाइम आता है कि जो उन्होंने ये वादे किए हैं उसको पूरा करें उनको फुलफ़िल करें तब वो क्या करते हैं भूल जाते हैं वो कहते हैं अब हमें याद नहीं है और अपने जो उनके खुद के बेनिफिट्स हैं एसोसिएटेड हैं वो चाहते हैं कि अब ये बेनिफिट्स जो हैं हमारे पूरे हो गए हमको इन गरीबों से जो चाहिए था हमें मिल गया वोट वगैरह मिल गया अब वो भूल जाते हैं और कभी ध्यान नहीं देते इन बेचारों की बातों पर और ये यहाँ पे कुछ लाइंस यूज हुई हैं जो बताती हैं कि पॉलिटिशियंस इन लोगों को झूठे वादे देते हैं द पोएट कॉल्स एम ग्रीडी गुड डूअर्स तो पोएट बताते हैं कि ये लोग ग्रीडी गुड डूअर्स हैं यानी कि ये वो लालची लोग हैं जो झूठ झूठ मूठ में किसी के साथ अच्छा करने की उम्मीद दिलाते हैं उनको एंड बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे बेनिफिसेंट यानी बहुत जेनरस इंसान जो बहुत अच्छा है किसी की मदद करेगा हेल्पर है और बीस्ट यानी कि राक्षस कोई डेविल तो बोल रहे हैं कि ये जो पॉलिटिशियंस है ये जेनर यानी काइंड शो करते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं लेकिन ये वो राक्षस हैं जो इन बेचारे गरीबों को प्रे बना रहे हैं यानी कि अपना शिकार बना रहे हैं अपने बेनिफिट्स का हु स्वॉम ओवर देयर लाइफ और उनकी जिंदगी पे मक्खियों की तरह भिन भिनाते रहते हैं ताकि इनसे कुछ हमको बेनिफिट मिल जाए गरीबों से द पोएट सेड दैट दीज हम्बल एंड सिंपल फार्मर्स आर रॉब्ड ऑफ देयर पीस ऑफ माइंड बाय दिस क्लेवर पीपल तो पोएट बोलते हैं कि जो बेचारे जो बहुत गरीब और जिनको दुनियादारी की खबर नहीं है इन लोगों को लिटरली लूटा जाता है पॉलिटिशियंस द्वारा अपने बेनिफिट्स पूरे करने के लिए द पोइट इज एनफोर्सिंग बेनिफिट्स यानी अपनी बेनिफिट्स अपने सब अच्छी अच्छी चीजें पूरी करने के लिए कुछ फायदे पूरे करने के लिए That आर calculated टू सूद देम आउट ऑफ their विट्स एंड by टीचिंग them हाउ टू स्लीप एंड स्लीप ऑल डे डिस्ट्रॉय their स्लीपिंग एट नाइट एन ancient way। तो ये लोग उन लोग को बोलते हैं तुम लोग आराम से सो अच्छी जगह शिफ्ट हो जाओ वहाँ सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा है और इनका जो डेली का जो रूटीन है डेली का जो स्लीपिंग पैटर्न है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं अपने फायदों के लिए तो बेसिकली ये सब लाइंस और फ्रेजेस यूज हुए हैं पोम में फॉर बेनिफिशियरी पीपल फॉर पॉलिटिशियंस नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज अ चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रिफर्स टू व्हाई इट इज इन वेन तो पोएट पूछ रहे हैं कि ये चाइल्डिश लॉन्गिंग का मतलब क्या है क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो पोएट चाइल्डिश लॉन्गिंग की बात कर रहे हैं पोम में इसका मतलब क्या है और वो वेन में क्यों है यानी कि जो चाइल्डिश लॉन्गिंग है ये एम यानी व्यर्थ क्यों जा रही है तो चाइल्डिश लॉन्गिंग का मतलब होता है लॉन्गिंग मतलब डिज़ायर कोई इच्छा और चाइल्डिश यानी जो बचपन से आपके दिल में इच्छा है कोई डिज़ायर है, है कोई चीज़ करने की जो अब तक पूरी नहीं हुई है वो अभी भी वेन में है यानी व्यर्थ है यानी अभी भी पूरी नहीं हो पाई है इसका क्या मतलब है द पोइट थिंग्स एट द हु आर रनिंग द रोड साइड स्टैंड सफ़र फ्रॉम अ चाइल्डिश लॉन्गिंग तो पोएट को लगता है कि जो लोग ये रोड साइड स्टैंड चला रहे हैं पुअर फार्मर्स उनके मन में एक चाइल्डिश लॉन्गिंग है यानी बहुत सारी ऐसी इच्छाएं हैं जो बचपन से इनके दिलों में हैं और अब तक पूरी नहीं हुई है क्योंकि इनके पास पैसे नहीं हैं दे आर ऑलवेज एक्सपेक्टिंग कस्टमर्स एंड वेटिंग फॉर देम और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने एक रोड साइड स्टैंड खोला है ताकि ये पैसे आएंगे और इनकी इच्छाएँ पूरी होंगी और पूरे दिन इसी उम्मीद में लोग कस्टमर्स का वेट करते रहते हैं कि कोई आएगा हमसे कुछ खरीदेगा पैसे आएंगे उससे हम अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे दे कीप देर विंडोज ओपन टू अट्रैक्ट देम और पूरे दिन अपने रोड साइड स्टैंड की जो विंडो है जो खिड़की है ये खुले रहते हैं ताकि लोग देखें हमें नोटिस करें और कुछ हमसे खरीदें दे बिकम सैड वेन नो वन टर्नज और फिर बहुत दुखी हो जाते हैं जब कोई आता नहीं है और इन लोगों को नोटिस तक नहीं करता दे आर ऑलवेज वेटिंग टू हेयर द स्कील ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार बट ऑल देर एफर्ट्स गो इन वेन पूरे दिन ये लोग इस उम्मीद में होते हैं कि कोई स्क्वील ऑफ़ ब्रेक यानी कोई जब गाड़ी रुकती है बहुत तेज़ी से और आके ब्रेक लगाती है तो उसके साउंड को हम स्क्ल ऑफ ब्रेक्स कहते हैं तो ये लोग वेट करते हैं कि अभी कोई ब्रेक लगने की आवाज़ आएगी यानी कोई आएगी कार और रुकेगी हमसे कुछ सामान खरीदेगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि पूरे दिन कोई इनको नोटिस ही नहीं करता सब बहुत सेल्फिश बिहेव करते हैं और आगे निकल जाते हैं बिना इनको ध्यान दिए हुए और इस वजह से क्या होता है जितने भी इनके एफ़र्ट्स है जो मेहनत है सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स जमा के रखने की रोड साइड स्टैंड सेटअप करने की वो सब वेन में जाती है यानी व्यर्थ एम जाती है और इनकी जो चाइल्डिश लॉन्गिंग्स जो बचपन से दिलों में इच्छाएँ हैं वो अच्छा यानी डिज़ायर बन के रह जाती है कभी भी इनकी लाइफ में फुलफिल नहीं होती क्योंकि मनी नहीं आता इनके पास पैसा नहीं आता सो चिल्ड्रन विद दिस वी कम टू एन दिस सेशन आई होप आपको समरी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर समझ आए होंगे आप हमारे वीडियोस जाके यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और अगर आपको यूट्यूब पर नहीं मिल रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना आपको गूगल पर जाना है और हमारी वेबसाइट का नाम टाइप करना है विच इज़ मैगनेट ब्रीन्स डॉट कॉम जैसे ही आप हमारी वेबसाइट का नाम टाइप करेंगे इस तरीके का एक पेज आपके सामने आ जाएगा जहाँ पर सारी क्लासेज मैंशन है क्लास ट्वेल्थ इलेवन टेंथ नाइन्थ सो ऑन फॉर एग्जाम्पल आपको क्लास इलेवेंथ के इंग्लिश के वीडियो लेक्चर्स देखने तो आप क्लास इलेवन्थ पर क्लिक करिए आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने क्लास इलेवंथ में पढ़ाने वाले सारे टीचर्स उनके सब्जेक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी फॉर एग्जाम्पल क्लास इलेवंथ का इंग्लिश मैं पढ़ाती हूँ और ये ऑप्शन है आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो मेरे सामने पढ़ाया मेरे मेरे द्वारा इंग्लिश के सारे सब्जेक्ट्स जो मैंने जो चैप्टर्स पढ़ाए हुए हैं उसकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी और अगर कह लीजिए जैसे मुझे हॉनबिल बुक के फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का इंट्रोडक्शन और एक्सप्लेनेशन देखना है तो मैं उस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और जब मैं क्लिक करूँगी तो आपके सामने इस तरीके से वीडियो मेरा प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा और इस तरीके से आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको यूट्यूब पर ईजीली वीडियोज़ नहीं मिल रहे तो आप वेबसाइट से ईजीली ढूंढ सकते हैं सो बच्चों और हमारे चैनल को अब लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मन भूलिएगा क्योंकि मैग्नेट ड्रीम्स आपके घर ला रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर्स तब तक लिए स्टे ट्यून्ड बाय एंड टेक केयर